आप लोग नमस्ते बेटा। आइए ना चाची। तुम कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? कोई नहीं। तकलीफ कैसे होती भैया, आपकी शादी की एक्साइटमेंट ने सब भुला दिया। अरे पूरब बेटा, ये अचानक शादी कैसे तय हो गई? इतनी जल्दी कि हम सगाई पे पहुंच भी नहीं पाए। एक्चुअली चाची जी, वो लड़की वाले चाहते थे कि शादी जल्दी हो जाए तो। अच्छा किया उन्होंने, तेरी सुनते तो पता नहीं तेरी शादी कब होती। अच्छा पूरब, ये लड़की वही है ना जिसके बारे में सोच सोच के तू रात भर जागता रहता था जब हमसे मिलने आया था? अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि तुझे तेरी बुलबुल जरूर मिलेगी। आपको उसका नाम कैसे पता? अब सपनों में कोई किसी लड़की का नाम ले तो उसका तो यही मतलब होता है ना। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। भाभी हो गया, इसमें नमक डाल दूं? हाँ हल्के हाथ से डालो बस, वेरी गुड। अच्छा अब इसे ढक दो रॉबिन, स्वाद अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। भाभी आप कुकिंग के बारे में कितना कुछ जानती है? आई मीन आप हर एक छोटी बात बड़े ध्यान में रखती हैं। मेरी माँ है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना उन्होंने ही सिखाया मुझे, और बाकी उसके दादी ने सिखाए। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैम आपको कुछ चाहिए? नहीं मैं कुछ लेने नहीं, मैं तो सीखने आई हूँ कुकिंग, वो भी प्रज्ञा से। मुझसे? हाँ प्रज्ञा, तुम्हें कितना कुछ आता है, छोटों को प्यार देना, बड़ों का आदर करना, पूजा पाठ करना, देखो अब तो मैं कपड़े भी तुम्हारी तरह पहनने लगी हूँ। प्रज्ञा तुम नहीं जानती कि मुझे तुम्हें देखते ही कितना मोटिवेशन मिलता है कि क्या बोलूं। वो बस शायद सूप बन गया। भाभी थैंक यू। दादी के लिए ना? जी मैं दे आती हूँ दादी को। हाँ उफ कितनी गर्मी लग रही है। आप क्या ढूंढ रही? वो डब्बा उतार, आज कुछ बनाने का मन कर रहा है मुझे अपनी सासू माँ के लिए। ऐसे क्या दिख रहा है, मैं क्या कुछ बना नहीं सकती क्या? नहीं वो आपको कभी पहले कुछ बनाते देखा नहीं कभी? हाँ ना आज तक कुछ बनाया नहीं, तभी तो हाल है मेरे घर में ये। प्रज्ञा देखो सबकी आंखों का तारा है और मुझे कोई पूछता नहीं है। मैं भी प्रज्ञा की तरह बनूंगी, घर के अंदर कुछ और बाहर कुछ और। वो दादी माँ को पटा रही है, कम से कम मैं अपनी सासू माँ को तो पटाऊं। तो अभी तक यही खड़ा है तू? जा मैं बना लूंगी अपने मन से। खड़े खड़े मेरी बातें सुन रहा था। प्रज्ञा भी क्या कमाल की लड़की है, अरे कितने सारे मर्दों को एक साथ हैंडल कर लेती है। कम से कम मैं अपने पति को तो हैंडल करना सीख लूं। हाँ मिताली तू तो भूल ही गई, कल आलिया की मेहंदी है, लेकिन देखने वाली मेहंदी होगी प्रज्ञा की। वो अपनी हथेली पर किसका नाम लिखेगी, अभी का, पूरब का या सुरेश का? बहुत अच्छा बनाया, देखा करके टेस्ट की बात ही कुछ और थी। ये लुधियाने की याद आ गई मुझे, नौकरों के हाथ का खा के मैं बीमार हो गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं अच्छी बली हूँ, खाने में प्रॉब्लम है। अब तेरे हाथ का खाऊंगी पीऊंगी टाइम पे तो फिर अच्छी हो जाऊंगी ना। चल हट मरे। कहाँ जा रही हैं? अरे आलिया की कल मेहंदी है, हॉल ठीक करवाना है, फर्नीचर वहां से हटवाना है, मेहमान कहाँ बैठेंगे बेटा? पानी लेकर आता। और आप ये इतना काम मत किया कीजिए दादी, आपकी तबीयत ठीक थोड़ी है ना, इतना काम करेंगे आप फिर से बीमार पड़ जाएंगे। मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी सारा काम, आप लीजिए पहले पानी पीजिए। रख दे अब पानी की जरूरत नहीं बेटा, तू अकेली क्या क्या करेगी, और तूने अकेले काम करना ही है ना, तो ऐसे करना अभी की थोड़ी मदद ले लेना उनकी, उनसे कहूंगी तो काम बांटने की जगह बढ़ा देंगे वो। ये बात तूने सही कही, वो ऐसा ही है, अगर उसमें 10 अच्छाइयां हैं ना तो 5 बुराइयां भी हैं, और ये बुराइयां
तुम इन्हें ठीक करनी है। जिद्दी है थोड़ा, पर प्यार से समझाएगी ना, मान भी जाएगा। ऐसा ही है मेरा भी। आप आराम कीजिए, मैं काम देख लेती। पुलिस क्यों आई है यहाँ, क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मेहंदी कल है, आज नहीं। जी, आकाश भी ना, आई एम सॉरी फॉर ऑल द ट्रबल। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम आप ही के लिए आए मिस्टर अभी। क्या अभी के लिए? लेकिन क्यों? इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? कल रात इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? Have you lost your mind, Inspector? अगर भाई का एक्सीडेंट हुआ होता तो भाई यहाँ पर सही सलामत नहीं खड़े होते। Look at him, he's all hale and hearty. I'm sure किसी ने झूठी कंप्लेंट लिखवाई। देखिए, कंप्लेंट इन्हीं के खिलाफ दर्ज है, हिट एंड रन का केस बना है। नामी गिरामी हस्ती है, इसलिए खुद चलकर आया हूँ। कोई और होता तो सीधे पुलिस थाने में बुलवाता। कोई सबूत है आपके पास? सबूत और गवाह दोनों पुलिस थाने में है। फिलहाल इन्हें हमारे साथ चलना। रबिश, भाई कहीं नहीं जाएंगे। भाई इज अ रॉक स्टार, सब उनके खिलाफ ये पब्लिसिटी का स्टंट करना ही चाहते हैं इंस्पेक्टर, और आप ये अच्छे से जानते हैं। सो व्हाई यू इवन बॉदरिंग अस? एक काम करें, जाइए पहले उसे अरेस्ट कीजिए जिसने झूठी कंप्लेन दी। देखिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो आप ही लोगों का फायदा होगा। और हाँ, उस लड़की को भी साथ में लाइएगा जो उस वक्त आपके साथ थी विटनेस के तौर पे। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? मेरे साथ कोई जब मैं कह रहा हूं आपसे कि मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं की, तो लड़की, अगर ये बात सच है तो साबित हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा। कुछ इंक्वायरी करनी है और कुछ टेस्ट करने हैं। आपकी गाड़ी की भी जांच करनी होगी, हमें देखना होगा कि उस गाड़ी से हमें क्या क्या एविडेंस मिल सकते हैं। सो प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ऑल दिस इज रबिश। भाई देखिए ना, इसे क्या बकवास करे जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं? व्हाई इवन आलिया, ये छोड़ो। चले इंस्पेक्टर साहब। अरे तुम यहां? इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत सीधे आदमी है, आप इन्हें क्यों लेकर आए? यही तो है आपके केस के सबूत और गवाह। इन्होंने ही अपनी आंखों से देखा था आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होते हुए, और उस लड़की को भी जो उस वक्त आपके साथ। गाड़ी का नंबर भी इन्होंने ही दिया। वो रहा पान वाले, जिसकी दुकान भी गई और वो खुद मरते मरते बचा। वैसे उस पान वाले को कानून के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन शायद ये हमसे भी ज्यादा कानून जानते हैं। चलिए आप मेरे साथ, कुछ इंक्वायरी करनी। आइए। अरे भाड़ में गई तुम्हारी पब्लिसिटी और तुम्हारे ये पैसे। मुझे सिर्फ मेरी बहन से मतलब है, ठीक है? तुम्हारे भाई ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है, तुम्हें पैसे लाना पड़ेगा। क्यों कर रहे हो ये सब? ऐसे तो ये कंप्लेंट्स, PIL, FIR, ये मैं दूसरों की भलाई के लिए करता हूँ, लेकिन इस बार मामला कुछ पर्सनल है। समझ गया, तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर। देखो, मैं जानता हूँ उस वक्त जो हुआ वो गलत हुआ, और मैंने तुम्हारी बहन की सवाल मेरी बहन का, सवाल प्रज्ञा का है। प्रज्ञा क्या हुआ उसे? देखो, मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जान गया। जो कुछ प्रज्ञा के साथ कर रहे हो ना, मैं अच्छे से समझ गया। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि प्रज्ञा जितनी सीधी है, तुम उतनी ही टेढ़े। मैं जैसा भी हो, मेरी प्रॉब्लम है। Now you're talking rubbish. I know very well what I'm talking about, Mr. Abhishek, and I also happen to know what Pragya is going. What kind of a husband are you? हनीमून के बहाने प्रज्ञा को अकेले एक होटल में छोड़ा है? I am sure. उस रात तुम उसी लड़की के साथ थी जिसे कल रात को मैंने तुम्हारे साथ देखा। MH04F6666. क्यों करवाई कंप्लेंट? कंप्लेन क्यों करवाई, मतलब तुम जानना चाहती हो ना क्यों? उसने एक्सीडेंट किया, एक आदमी की जान जा सकती थी, उसकी वजह से तुम प्रॉब्लम है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, और तुम कह रही हो मैंने कंप्लेन क्यों की? वाह भाई,
तुम प्लीज ये कंप्लेंट वापस ले। वापस लो? क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं। प्लीज। नहीं प्रज्ञा, उस रात मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी अब एक ना सुनूंगा। प्रज्ञा तुमने जितना सहना था तुमने सह लिया, और तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करी हो कि जितना तुम चुप रहोगी, जितना तुम दबोगी, उतना वो तुम्हें दबाएगा। क्यों कर रही हो ये सब? कब तक आंटी जी से झूठ बोलती रहो? देखो, तुम मुझे अपना दोस्त समझो या ना समझो, पर मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें अभी भी अपना अच्छा दोस्त समझता हूं, और कोई अगर मेरे दोस्त की जिंदगी खराब करे ये मैं नहीं देख सकता। अब जाके तो उसे ससुराल का सुख मिला, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची के चेहरे पे कोई भी शिकन है। जब तक वो अपने ससुराल में खुश रहेगी मुझे कुछ ही नहीं हो सकता। जो कुछ भी अभी तक हुआ है ना तू मुझे बता दे। क्या हुआ अभी? कहा है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग किसी बात का गुस्सा उतारता है तुझ पे। अज्ञा, अगर मैं उधर नहीं पहुंचता तो वो आदमी मर सकता था। मेरी शादी मेरी किस्मत है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं जानबूझकर अपनी माँ के साथ अनहोनी कैसे होने दूं? बचपन से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ हम दोनों बहनों की खुशी चाही है, और मैं मरते दम तक उन्हें ये खुशी देना चाहती हूँ। सुरेश, सुरेश, अगर वाकई तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो तुम ये कंप्लेंट वापस ले लोगे। ये केस अगर आगे बढ़ा तो मीडिया में सबको तनु के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और अगर माँ को तनु के बारे में पता चल गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं जीते जी ये सब नहीं देख पाऊंगी। सुरेश प्लीज, तुम ये कंप्लेंट वापस ले लो मेरे लिए, माँ के लिए। वो उसे यही लेके आई होगी। एक बार रंगे हाथ पकड़ लू ना, फिर देखता हूं दोनों को। प्रज्ञा मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में था इसलिए ये बात समझ नहीं पाया कि तुमने ये सब क्यों किया। तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम्हारी मजबूरी जानता हूं, फिर भी मैं उस कंप्लेन का कुछ नहीं कर सकता हूं प्रज्ञा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक गवाह हूं जिसके सामने वो एक्सीडेंट हुआ। कंप्लेन तो उस आदमी की है जिसकी वो दुकान है, वो पान वाला। देखो, मैं उससे बात करूंगा, हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि वो मेरी बात माने, क्योंकि मैंने ही उसे वो कंप्लेन। प्रज्ञा तुम चिंता मत करो, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूं, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं उस पान वाले से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, पर तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा किया हुआ वादा कभी कभी पूरा ही नहीं होता। सुरेश, तुमने मेरी बात समझी, मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू। ये सब तो ठीक है प्रज्ञा, लेकिन इस सब में तुम्हारी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई। कब तक तुम्हें ऐसे देखकर बहुत तकलीफ होती है। मेरे लिए तकलीफ मत महसूस करो सुरेश, क्योंकि तकलीफ की एक हद होती है जो अब पार हो चुकी है। प्रज्ञा, लेकिन अब मुझे कोई तकलीफ महसूस ही नहीं होती। जिंदगी का रास्ता बहुत लंबा है। मेरी जिंदगी, मेरा पूरा परिवार है सुरेश, और जो झूठ मैं जी रही हूं वो मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा है। सिर्फ मेरे पैसों के पीछे नहीं बल्कि मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए इसने मुझे तन्नू के साथ जाने दिया ताकि ये दोनों मिलकर मुझे एक्सीडेंट केस में फंसा सके। लेकिन अब मैं फंसाऊंगा इन दोनों को, और वो भी ऐसा कि दोनों जेल में सड़ेंगे। फिर करना जेल में आशिकी। तुम कोशिश जरूर करना।
चलती। प्रज्ञा तुम मानो या ना मानो, पर ये सब तुम अपने घर वालों के लिए नहीं, अभी के लिए भी कर रही हो। कोई फीलिंग तो है तुम्हारे मन में उसके लिए, जो तुम्हें बहुत तकलीफ देगी। दीदी, इसे कहीं देखा है ना? हाँ। अरे हाँ, ये तो वही है जिसकी फोटो मैंने भैया के मोबाइल में देखी थी। बुलबुल, आप बुलबुल हो ना? हाँ मैं बुलबुल हूँ, लेकिन आप कौन? एक मिनट। मम्मा, पापा, मम्मा, अरे जल्दी आइए, जल्दी। क्या हुआ बेटा? इन्हें पहचाना? कौन है ये? अरे ये वही है जिनसे हम सब मिलना चाह रहे थे, बुलबुल। बुलबुल, कैसी हो बेटा? बहुत प्यारी हो तुम, भगवान तुम्हें खुश रखे। माफ कीजिए अंकल आंटी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पहचानोगी कैसे, पहली बार जो मिल रहे हैं। अरे बेटा, हम पूरब के चाचा और चाची हैं, और ये हमारी बेटियां हैं। अरे हमने कितनी बार कहा था पूरब से तुमसे मिलवाने को, तो फिर सोचा कल तुम्हारी मेहंदी में ही मुलाकात हो जाएगी। किसकी मेहंदी? क्या भाभी, अब शादी आपकी है तो मेहंदी भी आप ही की होगी ना? जी, आप लोग जरा साइड में आएंगे। अरे पूरब, तू इधर आ, इधर आ। देख तो हमें कौन मिला, हमारी बहू। पूरब, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम प्लीज। पूरब, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चलो, शगुन का तुम्हारे लिए कुछ लेना है, सगाई पे तो पहुँच नहीं पाए, अब तुम्हारे पसंद से लेते हैं। आंटी जी, पर अरे शर्मा उम्र। चलो ना भाभी, चलो ना। चाची जी प्लीज। तुम चुप बैठो, चाची सास हूँ इसकी, मेरा पूरा हक बनता है। चाची जी आप उन्हें जाने दो बेटा, एक साथ शॉपिंग करेंगे तो। चाचा जी, ये वो लड़की नहीं है जिससे मेरी शादी हो रही है। ये क्या कह रहा है बेटा? जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मेरी शादी बुलबुल से नहीं होने वाली। तो फिर किससे हो रही है तुम्हारी शादी? आलिया से, अभी की बहन। पर भैया, आप प्यार इनसे करते हैं और शादी उनसे? देखो बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम्हें न जाने दो। चलती हूँ आंटी जी। बुलबुल, और एक बात, देखिए कल मेहंदी है, वहां आप लोग बुलबुल का जिक्र ना करें। अगर किसी को भी पता चल गया कि मैं बुलबुल से प्यार करता हूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप आप ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। मैं आप लोगों को शाम को फोन करता हूं, कोई और लूपहोल्स निकालो। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। इसलिए कहती हूं बड़ों की बातें मान लेनी चाहिए। तुमसे किसने कहा बीच में बात करने के लिए? मेरी बात होगी तो मैं बीच में बोलूंगी नहीं, सुन लिया कीजिए, कुछ अच्छा ही कहूंगी। ओ तो तुम मुझे समझाओगी कि अच्छा क्या और बुरा क्या है? आपको अगर अच्छे बुरे की समझ होती तो दादी मुझसे आपकी शादी नहीं करवाती। तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरी लाइफ सुधारने आई हो? अगर एक में अकल की कमी हो तो दूसरे को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है ना। अरे लाइफ सुधारना दूर, तुम्हारी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में अटका हूँ, समझी तुम? मेरी वजह से नहीं, तनु की वजह से। संगत सुधार लीजिए, जिंदगी सुधर जाएगी। ये अपने सड़े हुए सजेशन अपने पास ही रखना, और अच्छी तरह जानता हूँ तुम मेरी क्या जिम्मेदारी ले रही हो। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात। अब बिना जिद किए कमरे में जो गोल्डन वाली शेरवानी रखी हुई है वो पहन लीजिए। वेट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे चूज किए हुए कपड़े पहनूंगा? जी हाँ, कि दादी ने कहा है कि मेहंदी के फंक्शन पे आप वही पहनेंगे जो मैंने सिलेक्ट किया। हुकुम चला रही हो? याद है ना पिछली बार जब तुमने हुकुम चलाया था तब क्या हुआ था? पाने, हुकुम नहीं चला रही, जिम्मेदारी निभा रही। आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अरे बेटा, तू अकेली क्या क्या करेगी, और पता नहीं तुझे ये सब करना भी आता है कि नहीं। दादी, मैंने पहले भी बहुत किया है सब काम, माँ के साथ जब भी खाली वक्त होता था यही सब तो करती थी, आप चिंता मत कीजिए। माँ के साथ मतलब? आप मेरी माँ को जानती है ना, किसी ने मदद मांगी नहीं उससे पहले ही मदद करने को तैयार रहती, तो बस
अक्सर हम लोगों की मदद किया करते थे ऐसे कामों में। वो तो सब ठीक है बेटा, पर ये पुलिस का मामला बड़ा बुरा होता है। आप पुलिस केस की बात कर रही थी? हाँ, तो तू क्या समझी? नहीं, मुझे लगा आप वो मेहंदी के फंक्शन की बात कर रही हैं। अरे बेटा, वो मेहंदी के फंक्शन तो हो ही जाएगा, पर ये बिन बुलाई मुसीबत का क्या करूं? अगर पुलिस ने मेरे बेटे पर कोई उल्टा सीधा केस डाल दिया तो मेरा बच्चा तो जेल में जाएगा ना। आप चिंता मत कीजिए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ ना, और दादी मैं हूँ ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे होते। प्रज्ञा बेटा, तेरे भरोसे पर ना मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। आप ये सब छोड़िए, आप तो इस सब में अपनी पहली टेंशन भूल ही गई। कौन सी? प्रज्ञा, ये वो पान वाला। नमस्ते, अब आप कैसे हैं? ठीक है। मैं जानती हूँ इस एक्सीडेंट से आपका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे पति पर केस करके आपको क्या मिलेगा? इंसाफ। आपकी तरह अमीर नहीं हूँ, मेरा भी छोटा परिवार है, इसी दुकान से मैं उनका पेट भरता था, जो अब नहीं रही। ज्यादा कुछ तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन आप ये रख लीजिए, शायद इससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाए। प्रज्ञा, ये क्या कर रही है तू? ये तो वही गहने ना जो आंटी जी ने तुम्हें शादी पे दिए थे। तुम जानती हो ना आंटी जी ने कितने मेहनत से ये गहने बनवाए थे, सालों साल दिन रात कितनी मशक्कत की, लोगों के कपड़े सिए, शादियों में खाना पकाया, और आज तुम इन गहनों को ऐसे दे रही हो। प्रज्ञा, शादी पर दिए थे ना गहने, जब शादी ही नहीं रहेगी तो गहनों का क्या करूंगी? अपनी खुशी के लिए अपने पास रखो, इससे अच्छा है कि माँ की खुशी के लिए ये गहने इन्हें दे दूं। सुरेश, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मैं माँ को ये सब नहीं बता सकती। आप ये रख लीजिए, और आपको कंप्लेंट वापस लेने की जरूरत नहीं है। आप बस वो कीजिए जो मैं आपसे कहने वाली हूँ। आप अपने परिवार के लिए इतना कर रही हैं, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रख लीजिए आप। अच्छा, तो पैसे दिए जा रहे हैं मुझे फंसाने के लिए? ये अगर शेयर है ना, तो मैं भी वो क्या बोलते हैं उसे, तो मैं भी तो कुछ हूं, देखता हूं कैसे फंसाती है। इतना टॉर्चर करूंगा ना इसको कि खुद सबके सामने अपनी असलियत बताएगी। जब देखो झगड़े के मूड में रहते, इन्हें सिंगर नहीं बॉक्सर होना चाहिए था। काश सिंगिंग की जगह बॉक्सिंग सीखी होती, एक ही पंच में ना चेहरे का नक्शा बदल देता। आपको क्या लगा, दिमाग सिर्फ आपके पास है? नहीं, जब दिमाग बढ़ रहा था ना, तब मैं सो रहा था। लगता है वाकई सो रहे थे। रुक जाओ, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्यों? मुझे हॉरर मूवीज से डर लगता है। तुम्हारी शक्ल ही कार्टून जैसी है, हॉरर फिल्म से डर लगेगा ही। देखिए, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप बंद कीजिए इसे प्लीज। पिक्चर से ज्यादा मजा तो तुम्हारा चेहरा देखकर आ। अरे उस साइड क्या देख रही हो, पिक्चर देखो। अरे शीशे में अपना चेहरा देखोगी तो और डर जाओगी। देखिए आप भी मत देखिए, आपको ना रात को डरावने सपने आएंगे। तुमसे डरावनी चीज कोई हो सकती है? अरे दिन भर में तुम्हारी शक्ल देखता हूँ, उससे इतना डर जाता हूँ, डरने की बारी तुम्हारी है। तुम जाकर बालकनी में सो जाओ, वहां तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा।
कोई और चीज नहीं मिली थी इसे? अरे जिससे मुझे डर लगता है उसी से इसको भी डर लगता है। मुझे डर लगता है, मुझे भूत भूत से डर नहीं लगता, और ये भूत भूत होता नहीं, अगर होता भी ना तो मेरे रहते हुए यहाँ नहीं आ सकता। ठीक कहा आपने, एक घर में दो भूत एक साथ नहीं रह सकते ना। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे भूत बुलाया? तुम्हारी शक्ल देखिए चुड़ैल लगती हो, चुड़ैल। अब चुपचाप इधर सो जाओ वरना मुझे डर लगता है कि अगर तुम बालकनी में सोने गई तो तुम्हें डर लगेगा, इसलिए अपना डर भगाओ मेरे पास आओ। जी नहीं, मैं बालकनी में सोने जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब तुम अगर बालकनी में गई ना तो मैं ये पिक्चर को फुल वॉल्यूम पर। नहीं, मैं यहीं सो रही हूँ। जल्दी आओ। मैंने कहा था ना, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलैक्स तनु, मैंने कहा ना तुमसे कि आई विल हैंडल एवरीथिंग। कैसे हैंडल करोगे जब अभी आलिया कितनी एक्साइटेड है ना एंगेजमेंट को लेके। चलो अच्छा है, शादी करके वो कोई तो ऐसा काम करिए जो नॉर्मल लड़कियां करती हैं। बिग डे। ए अभी, तुम्हें पता है जब से हम मिले हैं पहली बार इसने कुछ अच्छी बात की है। तू सिर्फ बातें ही करने आई है या मेहंदी में कुछ काम भी करेगी? करूंगी ना, आलिया की मेहंदी लगाने में हेल्प करूंगी। तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? मतलब पता है क्या, मेहंदी वाली हथेली पे होने वाले पति का नाम लिखती है, और अगर उसे पति ने ढूंढ लिया ना तो उनमें प्यार बढ़ जाता है। रियली? हाँ, लेकिन सिर्फ ये प्यार करने वालों के लिए है। तू तो बिल्कुल भी मत लिखना उसे। चल चल दीदी, चल चल। हाँ, हम मेहंदी देख के। हाँ, देख लेते। चल। देखा तू? सब मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, मुझे देख के ऐसे मुंह बना लेता जैसे कोई चुड़ैल देख लियो। अरे डोंट से दैट, क्योंकि चुड़ैल पर कॉपीराइट तो सिर्फ चश्मिश का है। वैसे बातों बातों में उन्होंने मुझसे एक फायदे की बात की। क्या? मैं भी तुम्हारा नाम अपने हाथों में लिखाऊं और तुम्हें ढूंढना होगा। तनु, don't do that, because अगर मुझसे पहले दादी ने देख लिया तो एक ना एक दिन सच तो सबको पता चलना ही है, तो आज से शुरुआत कर ले। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।